हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों को महीने की पहली तारीख को सैलरी नहीं मिली। मंडी में HPSCB कर्मचारी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष कनव राणा ने बताया कि प्रदेश में फ्री यूनिट बिजली की फाइल शायद बोर्ड के दफ्तर में ही धूल फांक रही है। यह फाइल प्रदेश सचिवालय तक पहुंची ही नहीं, इसके कारण अभी तक सरकार की ओर से धनराशि बोर्ड को जारी नहीं की जा सकी है। उन्होंने कहा, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन व पेंशन में देरी के लिए बोर्ड प्रबंधन जिम्मेदार है। गेट मीटिंग करने का मुख्य उद्देश्य जो है, कर्मचारियों को और पेंशनरों को अभी तक वेतन और पेंशन न मिलना है, जो एक बहुत ही बुंजस वर्ष के इतिहास में बिजली बोर्ड में पहली बार ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है कि आज 3 तारीख होने के बावजूद भी ना कर्मचारियों के खाते में वेतन पड़ा है और ना ही पेंशनरों को उनकी पेंशन की अदायगी हुई है। तो सारे कर्मचारियों में रोष है और जो बिजली बोर्ड की नाकारा मैनेजमेंट है उसके खिलाफ भी काफ़ी कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हुआ है। अभी तक तो जो हमारे ध्यान में आया है उसमें तो यही साबित हुआ है कि जो हमारे जो हमें सब्सिडी मिलती थी, जिस तरह से यूनिटें फ्री दी जा रही है, उसकी जो सब्सिडी की जो फाइल है वो गवर्नमेंट ऑफिस में जो हमारे गवर्नमेंट सेक्रेटरी तक नहीं पहुंच पाई है, जिस कारण जो सब्सिडी की राशि बिजली बोर्ड को अभी तक सरकार के द्वारा अदायगी नहीं हो पाई है। तो जिस कारण जो है हमारे वेतन में देरी हो रही है, तो निवेदन करेंगे हम सरकार से कि वह जल्द से जल्द इसकी ओर ध्यान दे और कर्मचारियों का वेतन बहाल किया जाए।